हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चला चले। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आया हूँ ग्रीन्स बुद्धा में, जो कि है बुराड़ी में। यहाँ पे आपको मिलते हैं नीतीश जी, जो कि आपको हर हफ्ते हमारे चैनल पे आके बॉन्साई बनाना सिखाते हैं। तो बात करते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं? जी बढ़िया जी। सर मैं देख रहा हूँ आज काफी ह्यूज आपने जेड बॉन्साई ले रखा है, तो आज की वीडियो में क्या सिखाने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये काफी पुराना है जो प्लांट है। लगभग ये मैं 2016 से मतलब इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल अभी तक जो मैंने ग्रो किया है, इसका जो मेन जो होता है ट्रंक बनाना, वो ट्रंक मैंने बना लिया है। मतलब काफी मोटा होने को आ गया है ये ट्रंक। अब इसकी ब्रांचेज बिल्कुल स्टेबल नहीं है, जो पैडिंग बनाना है हमको वो स्टेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पैड को एक अच्छा सा मतलब वायर करके वो देंगे, स्ट्रक्चर देंगे, उसके बाद ये पेड़ काफी खूबसूरत लगने वाला है। ओके, हम लोग इसको मेकओवर करेंगे। वैसे अभी तक मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सर की ऑलरेडी हमारे चैनल पे सीरीज चल रही है बॉन्साई लर्नर्स के नेम से। काफी सारे एपिसोड हमने कंप्लीट करे हैं, फिर उसमें आपको वायरिंग सिखाई है, सॉइल मिक्सचर बनाना सिखाया, रिपोर्टिंग करनी सिखाई है, और सबसे ज्यादा वीडियोज जो आई है वो जेड बॉन्साई पे आई है। साथ ही में कुछ और भी टॉपिक्स हमारे प्रिपेयर हो रहे हैं, जो कि हम बहुत ही जल्द अपने चैनल पे लेकर आने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो जेड बॉन्साई आज आप देख रहे हैं, ये अभी तक का सबसे बड़ा बॉन्साई होने वाला है, जो कि सर तैयार करके आपको दिखाएंगे। अभी तक जितने भी हमने बॉन्साई बनाए थे, जो भी स्टाइलिंग करी थी, वो सारे के सारे छोटे बॉन्साई थे। तो आज की वीडियो में कुछ आपको डिफरेंट सीखने को मिलने वाला है कि आखिर हम इतने बड़े बॉन्साई को किस तरीके से शेप दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिलहाल जो आप ये वाली जो प्लांट देख रहे हैं, मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हालांकि ये मैंने 2016 में लगाया था, जैसे मैंने पहले बताया, ये शुरू में बहुत छोटा था। मैंने इसकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट करी, आप इसका ट्रंक लाइन देखते हैं, जिस तरह से आप ट्रंक लाइन देख रहे हो, ये थोड़ा सा हमने इसको वायरिंग किया हुआ है। वायरिंग की मदद से ये पूरा इस टाइप का मैं ट्रंक लाइन बना पाया हूँ। फिलहाल देखो, मैं एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ। आप बॉन्साई बना रहे हैं तो ये ट्रिक बहुत ही रेयर आपको बताएंगे कि बॉन्साई डेवलप कैसे होती है। हालांकि आपने अभी तक बॉन्साई जो देखा होगा, एक सुंदर बॉन्साई पॉट में देखा होगा, जो कि इस टाइप से है। ये अगर बॉन्साई पॉट की बात बताऊं, तो इस टाइप से हम बॉन्साई पॉट में लगाते हैं, छोटे छोटे में। आप लोग सोचते हो कि भाई पूरा बॉन्साई इसी में बनता है, नहीं, गलत है, पूरा बॉन्साई इसी में नहीं बनता। शुरुआत के समय में आपको क्या करना होगा, इस टाइप के पॉट को लेना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पॉट है। इस पॉट में बनाना बहुत ही आसान होता है। इसमें प्लांट की जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, काफ़ी फास्ट होती है। और ये जो प्लांट का जो ट्रंक देख रहे हो आप, ब्रांचेस देख रहे हो, इसके जो पैडिंग है, इसका फॉलिएज है, बहुत जल्दी बन के मिलेगा आपको। तो मेरे जो सलाह है आपको कि आप पहले प्लांट परचेज़ करें, तो डायरेक्टली बॉन्साई पॉट में लगाने की बजाय आप उसको बड़े पॉट में लगाओ, जिससे कि आपका प्लांट जल्दी से जल्दी डेवलप हो पाए। तो ये एक ट्रिक होता है बॉन्साई बनाने का। आप इस चीज़ को ज़रूर इंप्लीमेंट करें, आपको जल्दी और फास्ट रिजल्ट मिलेगा। आप बॉन्साई पॉट में बनाना स्टार्ट मत करो, सीधा बड़े पॉट में आप डालो, बहुत जल्दी से आपका बॉन्साई बन के आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जो मेकओवर जो मेरे को करना है, ये फिलहाल बहुत समय से मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ, तो इसे मेरे को बनाना था जल्दी से, एक बॉन्साई मतलब इसको शेप देना था। तो फिलहाल अभी इसको जो मेरा फर्स्ट है इसमें करने का काम, ये जो इसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं, अनवांटेड ब्रांचेज हैं, इसको मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा, कम करने की कोशिश करूँगा। उससे क्या होगा, थोड़ा सा इसका ट्रंक लाइन क्लियर हो जाएगा और इसकी जो विजिबिलिटी है वो साफ़ हो जाएगी। तो फिलहाल जो अनवांटेड ब्रांच होते हैं, उनको सबसे पहले प्रून करिए। मेरी जो एडवाइस रहेगी, अगर आप बनाते हैं इस टाइप के बॉन्साई, तो जो अनवांटेड हैं ज़्यादा हैं, जैसे इस लाइन पे अगर देखें, गौर करें, तो यहाँ पे एक दो तीन, एक ही जगह से तीन तीन ब्रांच निकलना अच्छा नहीं होता, बिल्कुल बेकार लगता है। तो उनमें से एक ब्रांच को कट कर दें जो ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा, भद्दा लग रहा है। तो फिलहाल मैंने इस वाले ब्रांच को कट कर दिया है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ ब्रांचेज और हैं जो कि ऑड लग रही हैं, उसको जैसे ये डाउन में काफ़ी ब्रांच जा रहा है, बहुत नीचे है, तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं इसको कट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत समय से ये सही जगह पे, अगर मैं बोलूँ जो कर्व के जो उठा हुआ हिस्सा है, जो ये कॉन्वेक्स एरिया होता है, जहाँ पे ये जो उठा हुआ है, जहाँ पे कर्व आता है, डाउन साइड को कुछ ब्रांचेज नहीं होनी चाहिए, जो डाउन वाला एरिया है। और ये जो यहाँ पे है उभरा हुआ पार्ट, उसके ऊपर ब्रांच दिखता तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक ट्रिक मैं और बता दूँ, ये प्लांट जो बनाने में आपको जेड से आप लोग सारे फैमिलियर होंगे, ये एक मतलब बिल्कुल क्रीपर टाइप का चलता है, और इसका जो तना होता है काफ़ी हल्का होता है। उस केस में ये प्लांट खड़ा नहीं हो पाता अपने दम पे, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक बैम्बू स्टिक या कुछ भी लोहे का सरिया, लोहा, तार, कुछ भी लेकर के आप इसको सीधा करके बांध सकते हैं। तो ये जो बैम्बू स्टिक लगा हुआ है, इसीलिए लगाया गया है, ताकि ये प्लांट अपने आप को सीधा रख पाए और लंबे समय तक मैं इसकी मेंटेनेंस कर सकूं। नहीं तो अगर मैंने अभी छोड़ दिया, तो इसका वजन काफ़ी हो जाता है इन पत्तों का, उससे क्या होता है, प्लांट एक तरफ को झुकने लग जाएगा, पूरा ज़मीन पे लेट जाएगा। तो शुरुआती दिनों में जब आप इसको डेवलप करते हैं, तो बैम्बू स्टिक का सहारा ज़रूर ले, जिससे कि ये प्लांट को स्ट्रेंथ मिले और वो खड़ा रह सके। अभी फ़िलहाल मेरे को अनवांटेड जो लग रही हैं ब्रांचेज में, ये वाली ब्रांच अनवांटेड लग रही है। हालांकि इसको भी कट करना मेरे को ज़्यादा समझदारी का काम नहीं लग रहा है। कुछ एक ब्रांचेज और हैं जो मैं कट करना चाहूँगा, जो बिल्कुल गलत स्पॉट पे आ रखे हैं।
अगर मैं दिखाऊं ये वाली ब्रांच, ये बिल्कुल ही बेकार जगह पे टिका हुआ है, इसको भी कट करना ज़रूरी है। जो भी इस टाइप के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा छुपा रहे हो उसे कट करने में थोड़ा फ़ायदा हो जाता है हमें। अब मैं कहूँ ये वाला जो है बिल्कुल कमज़ोर ब्रांच है, इसको भी कट कर देना चाहिए, जिससे ये पूरा फॉलीज क्लियर नज़र आए और इससे हम अच्छे से एक बॉन्साई में डेवलप कर सकें। ओवरऑल इसकी जो लीफ प्रूनिंग है वो भी ज़रूरी है। और अगर मैं बताऊं इसकी ब्रांच, फ़िलहाल ये प्राइमरी ब्रांच है हमारा ये वाला जो है, उसके बाद हमारा सेकेंडरी ब्रांच ये आते हैं, ये सारे सेकेंडरी ब्रांचेज हैं, उसके बाद ये जितने भी ब्रांचेज निकलती हैं ये टर्सरी ब्रांचेज निकलती हैं। तो मेरा सेकेंडरी ब्रांच का भी इसमें अच्छा ऑप्शन जा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट ब्रांच दो में स्प्लिट हो गया, सिंगल ब्रांच एंड दो स्प्लिट हो गए, दो के बाद यहाँ पर तीसरा स्प्लिट हो गया। तो इस टाइप से करके अच्छा होता है ये, इस टाइप का स्ट्रक्चर काफ़ी मतलब अच्छा लगता है देखने में। इस टाइप से ब्रांचेज को आपको प्लेस करनी चाहिए। हर केस में अगर मैं देखूं इस फ्रंट का लुक ये बेटर लग रहा है, कौन सा लग रहा है फ्रंट? ठीक है, फ़िलहाल इसको कम से कम जो बेकार इसमें पत्ते हैं उसको निकालना ज़रूरी होता है सबसे पहले, तो इसकी जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी आएगी। फिलहाल इसका जो फ्रंट है, जो फ्रंट साइड होना चाहिए वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, क्यों ना इसे पहले वायर कर दूं, जिससे इसका जो लुक होगा क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ब्रांचेस नीचे लटक रही हैं, इनको जब तक वायर नहीं करूंगा अपने दम पे खड़े नहीं हो पाएंगे, और जब तक खड़े नहीं हो पाएंगे मैं इसको ढंग से देख नहीं पाऊंगा इसके ट्रंक लाइन को, तो वायरिंग करना ज़रूरी है। फिलहाल मैं इसको वायर कर देता हूँ, और सारे केसेस में जब कहीं आप फंस जाते हैं बॉन्साई बनाने में तो पहले उसका मैक्सिमम अनवांटेड जो ब्रांचेस होते हैं उसको प्रून कर लें, उसके बाद फिर भी समझ में ना आए तो फिर कोशिश करें कि वायर लपेट लें। वायर लपेटने से ये इनको स्ट्रेंथ मिलेगा और ये अपने दम पे खड़े होने लग जाएंगे, तो आपको बिल्कुल आपका जो विज़न हो एकदम क्लियर होने लग जाएगा, जिससे कि एकदम आप इसको और अच्छे तरीके से उसको डेवलप कर पाएंगे। तो फिलहाल मेरे पास जो वायर है मैंने यूज़ किया है इसमें 12 गेज का तार, इस केस में ये मोटा है, तो इसको मेरे ख्याल से इसमें दो तार इसमें लपेटना पड़ जाएगा मेरे को। देखते हैं इसमें फ़िलहाल कौन सा तार काम करता है। तो पहले तो मेरे को ये जितने भी बैम्बू स्टिक्स मैंने लगा रखे हैं इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं वायर कर पाऊँगा। बहुत समय से ये जो लकड़ी इसमें लपेटे गए हैं बहुत समय से इसी के अंदर है, तो नीचे से गल भी गया है। तो फिलहाल अब जो नेक्स्ट करूँगा वायरिंग के बाद एक सपोर्ट और दूँगा, सिंगल लकड़ी से यूज़ करूँगा। फिलहाल अभी मल्टीपल लकड़ियाँ मैंने यूज़ करी थी इसको सपोर्ट देने के लिए, अब जो इस्तेमाल करना सिंगल लकड़ी यूज़ करूँगा पूरा यहाँ तक जो लंबा लकड़ी मिल जाए। फाइनली इसकी जो वायरिंग थी वो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, और काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस प्लांट का। अगर मैं इसकी फ्रंट की बात करूं तो हमने इसका जो फ्रंट है ये वाला हिस्सा डिसाइड किया है, ये साइड जो है हमारा ये फ्रंट का होने वाला है। अगर मैं पैडिंग की बात करूं, ब्रांच प्लेसमेंट की बात करूं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गए जितने भी इसके ब्रांचेस थे उनकी वायरिंग होने के बाद। जो इसकी गेटअप बनी है, जो बॉन्साई का जो लुक आया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है।
अगर इसकी प्लेसमेंट बात करूँ तो यहाँ पे हमने जो कोशिश किया है इस प्लांट में फीचर ऐड करने का, वो डेंस वाला ऐड किया है, वो अल्टरनेट वाले जो हम देखते हैं नॉर्मल बॉन्साई उसके, इसको हटा करके क्लासिक स्ट्रक्चर जो होता है जिसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं चारों साइड में होती हैं, वो सब मैंने इसके अंदर ऐड करने की कोशिश किया है। अगर देखें तो बैक साइड से भी काफ़ी यूनिक लग रहा है ये बॉन्साई, पीछे का हिस्सा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल हम जो काम करते हैं उसके अंदर हम पीछे साइड सबको हम एक अच्छा यू नो प्लेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि किसी भी एंगल से इस प्लांट को अगर देखा जाए, इस बॉन्साई को देखा जाए, वो अच्छा लगे, सुंदर लगे, बिल्कुल लगे कि हाँ भाई कुछ चीज़ बनी हुई है। तो फिलहाल इसका जो ट्रेनिंग थी, मेकओवर था, हमने कंप्लीट कर लिया है और प्रूनिंग वगैरह सब कर लिया है। अब फिलहाल अब इसकी जो मेन होगी इसकी जो हम करेंगे इसकी मेंटेनेंस करना होगा बस, बाकी ये जो प्लांट है खुद बनेगा। अगर मैं बात करूँ पैडिंग की तो पैडिंग भी काफ़ी अलग तरीके से वायरिंग की गई है, हर एक ब्रांच को जो सेकेंडरी ब्रांच है उसको मैंने वायर किया है, जो टर्सरी है वो कुछ दिनों के बाद करूँगा, जिससे कि थोड़ा सा इसको जब तक ये वायरिंग के स्ट्रेस से आउट हो जाएगा उसके बाद मैं ये जो टर्सरी है उसको भी वायर करके एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करूँगा। और चारों डायरेक्शन से बिल्कुल ये प्लांट बैलेंस है। और अब जो नेक्स्ट इसमें हम काम कर सकते हैं, अब ये रिपोर्टिंग की रही, लेकिन रिपोर्टिंग अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये प्लांट जो है बिल्कुल स्टेबल है। अगर मैं रिपोर्ट कर देता हूँ फिलहाल तो ये प्लांट क्या होगा, स्ट्रेस में चला जाएगा और इसकी ग्रोथ थोड़ी सी पीछे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रिपोर्ट करूँ इसको लगभग 2 महीने के बाद, बरसात से मतलब अगर मैं बात करूँ तो जून का जो फर्स्ट वीक होगा उस वीक में रिपोर्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा स्टेबल हो जाएगा, फिर बरसात में इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी, जिससे ये प्लांट बहुत जल्दी डेवलप होगा, एक बॉन्साई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बॉन्साई बनाते हैं बड़े पॉट के अंदर, जिससे कि हमारे को जल्दी से जल्दी कम समय में एक बड़ा बॉन्साई, इस टाइप का बॉन्साई। अगर मैं बात करूँ इसकी हाइट की तो 2.5 फीट लगभग 27 इंच तक इसकी, 2.5 फीट अगर हम बात करें तो 2.5 फीट तक का ये बॉन्साई है, क्योंकि इसका जो रूट है नीचे भी है, अगर मैं एक्सपोज करूँगा तो 2-3 इंच और ये बढ़ने वाला है इसका हाइट। तो काफ़ी बड़ा बॉन्साई है और काफ़ी समय हो गया इसको बनाते बनाते। अगर मैं देखूँ दिखाऊँ इसका पूरा स्ट्रक्चर, ओवरऑल काफ़ी मोटा है ये पूरा का पूरा प्लांट। सो फ्रेंड देख सकते हैं कि जो भी स्टाइलिंग कर रहे थे सर जड़ बॉन्साई में वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये स्टाइलिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, शेयर भी ज़रूर करना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हम रोज़ाना ऐसी वीडियो सुबह 10 बजे अपलोड कर देते हैं, तो हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही मैंने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। फ्रेंड्स अभी सर ने बोला कि इसकी जो रिपोर्टिंग करनी है वो अभी ये 2 महीने के बाद करने वाले हैं, तो 2 महीने बाद हम फिर से इनके पास आएंगे और आगे का प्रोसेस देखेंगे कि इसकी रिपोर्टिंग और सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार होने वाला है। मिलता हूं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।